अध्यक्ष श्री अजय चौधरी जी को बुलाना चाहेंगे कि सर आप सबसे पहले पिंकी चिन्योटी जी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये पावन अवसर है पत्रकारिता के विषय में सबसे जरूरी मुद्दा नए यूनिवर्सिटी आदरणीय अंशुला सिंह कोषाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा आदरणीय अरुण कुमार। आपको क्या लगता है कि नया भारत का नया मीडिया क्या हो? सोनम जी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए, और आप लोगों को नहीं करूं तो भी गलत होगा, इसलिए संपूर्ण सभागार को सम्मानित मानते हैं। मैं अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, पत्रकारिता के बारे में हमारे यहाँ एक विभाग भी है, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का, और अभी शिवानंद जी ने भी बताया कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एकदम से दिमाग में आ जाता है क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है ब्रॉडकास्टिंग के जरिए से वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम भी किया था। और सच है कि पत्रकारों के पास बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से आपने अगर बनाई है तो ये बहुत मजबूत होनी आवश्यक है, क्योंकि इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो समाज तक वो सच्चाई पहुंचाना जिसको वो जानते नहीं है, टुकड़ों में कभी मसालों के रूप में कभी कितनी बिखरी हुई बातों के या अफवाहों के रूप में उन तक पहुंचने, ऐसी अफवाहों से अधिक उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। ये कोई गॉसिप कॉलम नहीं है, पत्रकारिता बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, सिर्फ जागरूक करना ही नहीं, स्वयं निष्पक्ष रहना आवश्यक है। इसलिए आज आप लोगों ने मुझे इस मंच में आमंत्रित करके अपने बीच बुलाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं अपने हृदय में इतनी जगह दी कि मैं आप लोगों के प्रति अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त कर सकूं। देखिए, पत्रकारिता अभी भैया ने बताया कि बहुत ही एक अनलिमिटेड स्पेस है, कोई आप लोगों के लिए बैरियर्स नहीं है। आप जितना चाहें उतना किसी भी चीज़ को प्रमोशन दे सकते हैं पॉजिटिव वे में। और दूसरी चीज़ ये, हर तरफ आप लोगों ने कोरोना काल में, भारत स्वच्छ अभियान में, जो भी हमारे देश विदेश प्रदेश जहाँ भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसे आप इतनी पॉजिटिव वे में सबके सामने, जो एक आम व्यक्ति है उस तक आप पहुँचाते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के बीच में आज हम खड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम आशा करते हैं इसी एक पॉजिटिव एटीट्यूड या बिहेवियर के साथ आप हमारा साथ दें, और हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मानवता प्यार की ज्योति तब धैर्य त्याग का दूसरा नाम भाई बिमला जी आपने बनाई है। माँ बोली खबरदार संभल के रहना, वो मेरी परछाई है। मैं कैसे, जो ज्ञान का भंडार हो, जिसे गीता का ज्ञान हो, वही तो माँ सरस्वती की परछाई है। आदरणीय अखिला सिंह जी आपके लिए, आज इंसानियत मानवता प्यार की ज्योति है तब धैर्य त्याग का दूसरा नाम अखिला सिंह है। बुलबुलों के पंखों से बाज बंधे नहीं रहते, बुलबुलों के पंखों से बाज बंधे नहीं रहते। जो संघर्ष नहीं करते उनके सिरों में ताल, और जो सेवा नहीं करते उनके हाथों में राज नहीं रहते। आपने संघर्ष और सेवा दोनों की है, इसलिए आपके हाथ में आज राज भी है और आने वाले कल में आप विधायक भी होंगे।